तो पहला क्वेश्चन था हमारा, द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन द च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूले इच। तो च्यूएबल टैबलेट फॉर्मूला के अंदर हम स्वेटिंग एजेंट कौन सा कॉमनली यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइक्लोमेट सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सब कोटिंग इज गिवन टू द टेबलेट्स। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन आए थे, तो अगर हिंदी में कोई त्रुटि है तो इंग्लिश को मान्य किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश के अंदर। और इसके अलावा हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टू इंक्रीज बल्क, यानी बल्क को इंक्रीज करने के लिए टैबलेट के ऊपर क्या की जाती है, सब कोटिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, द पीएच ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाई। जो फार्मास्यूटिकल बफर होता है उसकी जो पीएच होती है वो कौन से इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेंडरसन हेल्सन बेंच इक्वेशन, यानी एचएच इक्वेशन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है? आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट मे हैव स्मॉल पिन होल ऑन द सरफेस, द फिनोनिमा इज नॉन एच। तो अगर कोई टैबलेट की सरफेस है उसके ऊपर कोई छोटा सा पिन होल है तो उस फिनोनिमा को हम क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमोंग द फॉलोइंग प्रिपरेशन विच वन विल बी द मोस्ट इरिटेटिंग टू द आई। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी फॉर्मूलेशन या कौन सी प्रिपरेशन आई के लिए सबसे ज़्यादा इरिटेट पैदा करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्यूरिफाइड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, बबल पॉइंट टेस्ट इज गिवन टू डिटरमाइन। जो बबल पॉइंट टेस्ट होता है वो किसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो सरफेस टेंशन होती है उसको मेजर करने के लिए बबल पॉइंट टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, एज पर जीएमपी परमिटेड लिमिट द लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट्स इन वाटर फॉर इंजेक्शन ईच। तो जीएमपी के अकॉर्डिंग सॉलिड कंटेंट की लिमिट कितनी होगी वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 इज इश्यू इन फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 B। इसी तरीके से हमने हर एक एग्जाम के लिए वीडियो डिस्कस कर रखी है, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रखे हैं, या फिर मॉडल पेपर डिस्कस कर रखे हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो, वो आपके हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, इन कैप्सूल रोटाफिल्स इज यूज फॉर फिलिंग। तो कैप्सूल के अंदर हम रोटाफिल्स, एक मशीन कह लो, वो यूज करते हैं, वो किसकी फिलिंग के लिए यूज करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली एब्जॉर्व लार्ज वॉल्यूम डेस्ट्रो सॉल्यूशन फॉर इंट्रावेनस यूज इज आइसोटोनिक। तो डेस्ट्रोज की कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं हम इंट्रावेनस में एज ए आइसोटोनिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5% वेट बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द आइडियल कॉम्बिनेशन फॉर टेस्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ एंटेरिक कोटेड कैप्सूल इन एल्कलाइन मीडियम।
तो एल्कलाइन मीडियम के लिए कौन सा आइडियल कॉम्बिनेशन होगा एंटेरिक कोटेड टैबलेट की सोलिबिटी टेस्टिंग के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, पैनक्रिएटिन एंड सोडियम टाउरोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो एल्कलॉइड? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा स्यूडो एल्कलॉइड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच विटामिन कंटेन स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर? तो कौन सा विटामिन है जो स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन? तो मॉर्फिन किस में प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेपावर सोमनिस फेरम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इमेटिन एज एल्कलॉइड ऑफ इपेकुआना एक्ट एज? तो इमेटिन के तौर पर हम इपेकुआना को यूज करते हैं, इसके अलावा इसे कहाँ पर यूज किया जाता है? तो इसे और हम अमीबो साइड के अंदर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पेशेंट विथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इज ट्रीटेड विथ डेप्सोन ही विल सफर फ्रॉम? तो किसी पेशेंट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको ट्रीट करते हैं किसके द्वारा? डेप्सोन के द्वारा। तो ये किससे सफ़र करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन? तो इन चार ऑप्शन में से आपको देख के बताना है कि कौन सी ड्रग है जो कि लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन के तौर पर यूज नहीं की जाती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिडाजोलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच एंटीबायोटिक इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्लोसिस एज वेल एज लेप्रोसी? तो कौन से एंटीबायोटिक है जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज करते हैं और लेप्रोसी में भी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिफामपिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द फॉलोइंग आर स्टिमुलेंट पर्गेटिव एक्सेप्ट? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है, किसी एक को छोड़कर सारे स्टिमुलेंट पर्गेटिव हैं। तो वो कौन सा है जो कि स्टिमुलेंट पर्गेटिव के तौर पर यूज नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिक्विड पैराफिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मास्ट सेल स्टेबलाइजर इज? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जिसे हम मास्ट सेल स्टेबलाइजर के तौर पर यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। इसे हम इनहेलेशन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और ये ब्रोंकल अस्थमा के तौर पर यूज की जाती है, ब्रोंकल अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इज? तो ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर हम यूज करते हैं किसको? एंटीकोलिनर्जिक। तो वो कौन सी ड्रग है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइप्राट्रोपियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, म्यूकोलाइट्स आर? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा म्यूकोलाइट्स है। तो ब्रोमोहेक्सिन, कार्बोसिस्टिन एंड एसिटाइलसिस्टिन, ये सभी क्या है? म्यूकोलाइट, ये सभी क्या है? म्यूकोलाइट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आल एक्सेप्ट आर एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई? तो किसे छोड़कर सभी एंटीबायोटिक फंगाई से ऑब्टेन किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेसिट्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सम बैक्टीरिया डेवलप ड्रग रेजिस्टेंट वेरी रैपिडली एक्सेप्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्लेविनिक एसिड एंड साल्बुटामोल इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अमोक्सिसिलिन अगेंस्ट एच इन्फ्लुएंजा बिकॉज? तो
तो क्लेविनिक एसिड और सालबुक्टम को हम एमोक्सिसिलिन के साथ में यूज़ करते हैं क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लेविनिक एसिड इनहिबिट बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस बाई एच इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबुलर ड्रग इज। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबुलर ड्रग कौन सी है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काइप्रियोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑल फर्स्ट लाइन ड्रग आर बैक्टेरिसाइडल एक्सेप्ट। तो किसे छोड़कर सभी एंटी टीबी ड्रग बैक्टेरिसाइडल हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाम्बिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट कंटेन इमिडाजोल रिंग। तो किसी एक को छोड़कर सभी इमिडाजोल रिंग रखती हैं तो वो एक कौन है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटाकोनाजोल, जिसे हम एंटी फंगल के तौर पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इन कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड आर यूज बिकॉज इट इंक्रीजेज। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर हम डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड को यूज करते हैं क्योंकि ये बढ़ा देती है, क्या बढ़ाती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हार्ट के मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है, इसलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के तौर पर हम डिजिटेलिस ग्लाइकोसाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस करेक्टराइजिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन ए ड्रग मस्ट ऑलवेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अचीव एडेक्वाइट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हेपारिन प्रिवेंट्स ब्लड कोगुलेशन बाय। तो हेपारिन आप सभी को पता है एंटी कोगुलेंट के तौर पर यूज करते हैं, तो ये ब्लड का जो कोगुलेशन होता है वो किस तरीके से रोकती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनहिबिटिंग थ्रोम्बिन कैटलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट। तो इनमें से कौन सा एक एंटी मेटाबोलाइट है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लूरा यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्टिव बीटा टू ब्रोंकोडायलेटर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस अस्थमेटिकस इज। तो इनमें से कौन सा है जो कौन सा एक बीटा टू सेलेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर यूज करते हैं किसमें, स्टेटस अस्थमेटाइटस के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टर्बुटालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बेलाडोना एल्कोलॉइड यानी एट्रोपिन इज यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए जनरल एनेस्थेटिक एजेंट ड्यू टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनहिबिशन ऑफ सलाइवेशन एंड सिक्रीशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबिक डिसेंट्री इज। तो अमीबिक डिसेंट्री के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपको यहाँ पे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्लिनिकली यूज यूरिकोसूरिक एजेंट इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फिनाइल पायराजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द मेटल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटोइड अर्थराइटिस इज। तो रिमेटोइड अर्थराइटिस के हम कौन सा मेटल यूज करते हैं वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AU। अब आपको बताना है कि कौन सा मेटल है जिसे हम AU से डिनोट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप सभी को आता होगा, पर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। और अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, तो उसके लिए हमने बहुत सारे मॉडल पेपर डिस्कस कर रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लीजिए, या फिर टॉपिक वाइज भी हमने MCQ डिस्कस कर रखे हैं। जो जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं
उन सभी को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, क्योंकि वो आपके हर एक एग्जाम फार्मासिस्ट से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उन सब के लिए वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज। तो एक्यूट गाउट के अंदर कौन सी ड्रग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोमेथासिन। आप सभी को पता होगा इंडोमेथासिन एक एनएसआईडी है, एनएसआईडी ड्रग है, और जिसे हम एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द एंटी ट्यूबुलर ड्रग इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस। तो कौन सी एंटी ट्यूबुलर ड्रग है जो कि आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, यानी कौन सी एंटी ट्यूबुलर ड्रग है जिसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहे वो क्या क्या है, इनहिबिट करती है आरएनए सिंथेसिस को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिफैम्पिसिन।